और मैं अपनी छोटी को जो छोटी को मैं दिखा दूँ इसको, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इसके, मैं करीब जा ही नहीं पा रहा बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ थी मेरे लिए इस बीमारी में, वो ये जो है ना मेरी अरवा 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 दिल वो कैसा कहना यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा बच्चे, बाबा बच्चे अस्सलाम वालेकुम, खाइए। ये मेरी अरवा है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से सबको। तो एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है, सॉरी एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है जब आपका ईमान मजबूत होता है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर अचीव करना इजी हो जाती हैं, इसलिए कि ये बेसिक्स हैं, ये हमें बेसिक्स से नहीं हटना चाहिए। तो मुझे तो ये बीमारी ने अभी तक यही सबक सिखाया है। और एक और चीज़ हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अपने लिए ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, लेकिन हमें साथ में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीकत में बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत ज़रूरतमंद हैं, और उनका काम करने के लिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा करें, लेकिन करें ज़रूर, करें ज़रूर, थोड़ा सा करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, मिलेंगे, आप जानते हैं उनको कि उन तक जो है वो किस तरह उनका ख्याल रखा जाए इस मुश्किल हालात में। तो हमारे तो जो मुल्क घुमा बुरा में उसके अंदर ठीक है वबा है, इससे लोग मुश्किलात में हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारे लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, और जिस तरह मैंने जितने भी गवर्नमेंट की SOPs है उसको लाजमी फॉलो करें, आपकी अपनी सेहत की बात है। एंड देन मैं दोबारा कहूँगा कि आपको लड़ना पड़ेगा, कोई भी बीमारी होती है तो उससे लड़ना पड़ता है, ख़ुद लड़ना पड़ता है, ख़ुद अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे बेहतर हो रही है चीज़ें, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोबारा अल्लाह सेहत दे और दोबारा उस फूड ड्राइव को मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। अच्छा मैसेजेस भी साथ में मैं पढ़ लेता हूँ फैंस से बात करना, इसलिए कि फ़ैन्स हैं तो सब कुछ है। मलिक जुहेब, थैंक यू सो मच मलिक, और रूबुल इस्लाम बांग्लादेश से थैंक यू सो मच, थैंक यू पताशा डॉल जी, थैंक यू आपकी दुआओं का। अज़र अब्बास गेट वेल सून लाला, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। इसके अलावा अमादुल हक स्टेबलेस लाला, थैंक यू अमाद, फ़हीम असद थैंक यू फ़हीम, मुसर्रत कुरैशी जी थैंक यू सो मच मुसर्रत। इसके अलावा जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, जल्दी आ रहा है। नवाल गफूर थैंक यू नवाल जी, आसिफ थैंक यू आसिफ, आपका सैयद हम दागे से कब्रस्त ना, ये बार बार जो है ना मुझे ये तंग किए जा रहा है, बार बार मुझे काटने की कोशिश कर रहा है ये। तो इसके अलावा सैयद मोहसिन भट थैंक यू मोहसिन, ज़हीर अब्बास थैंक यू ज़हीर साहब, हुमैरा गुल हुमैरा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार थोड़े मुश्किल से नाम नज़र आ रहे हैं गुजरात, आयशा अमीद आयशा थैंक यू, सैमा खान थैंक यू सैमा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है सारा कुछ। और कौन है जी, आदिल बुखारी आदिल थैंक यू, मोहम्मद काशिफ काशिफ थैंक यू सो मच इंशाल्लाह, रुमान आमिर थैंक यू लाला प्लीज़ स्टे सेफ आयस थैंक यू गेट वेल सून, हुमैरा उद्दीन सिकंदर मीर आदिल थैंक यू मीर, और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्लीज़, थैंक यू सो मच।